हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा रखता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से हम भी मस्त हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2022 में दोस्तों इसका न्यू लिस्ट आ गया है। तो इसमें दोस्तों अभी बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई किए थे, तो दोस्तों बहुत ऐसा लोग है जिसका रिजेक्ट कर गया है और बहुत सारे लोगों का इसका आ गया है, ठीक है, लिस्ट में नाम आ गया है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आया है नहीं आया है। तो चलिए चुपड़ी को शुरू करते हैं। दोस्तों आप अपने खुद के मोबाइल फोन से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है और आपके पंचायत में आपके गांव में कितने सारे लोग आया है, किसका किसका आया है, सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल टेक वन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन में आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको कोई ब्राउजर को ओपन करना है। अभी मैं अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा क्रोम ब्राउजर। उसके बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च बार दिखेगा, आपको यहाँ पे टाइप करना है IAY report, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया, इसे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में जो आ गया FTO ट्रांजेक्शन समरी, ठीक है। आपको सिंपली इसी लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उसके बाद आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे बैक एंड होम लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको सिंपली होम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है चेक रिपोर्ट में, ठीक है, रिपोर्ट्स में। उसके बाद चेक रिपोर्ट्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज चेक डाटा वेरिफिकेशन समरी, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑल स्टेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम झारखंड से हैं तो झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लोड लेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से सेलेक्ट ऑप्शन आया है, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका तहसील ब्लॉक जो होता है उसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में जैसे आपको पंचायत सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको जिस भी पंचायत से आप पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन निकल गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट कर देना है। पिन वैलिड कैप्चा हमारा लिख लिया, फिर से लिया। कभी कभी सेट की प्रॉब्लम से इनवैलिड कैप्चा लिख देता है। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा रिपोर्ट दोस्तों, हमारा जो लिस्ट है अपने गांव का प्रधानमंत्री आवास योजना का वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और पंचायत। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर यू यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम जिसके नाम से आवेदन किया गया है उसका नाम शो करेगा। उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम इसमें यहाँ शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम नहीं रहता है। उसके बाद कैटेगरी दिखाएगा आपको यहाँ पे कि आप SC ST OBC जिसमें है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाएगा। प्रायोरिटी लिस्ट जो होता है दोस्तों जिस हिसाब से आपका जो बनेगा उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे जो नंबरिंग है इसी हिसाब से आपको जो सो आवास योजना का लाभ मिलेगा, यहाँ पे उसका भी जो सो दिया हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों आप अपना पंचायत का अपने ब्लॉक का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लिस्ट जो सो आराम से निकाल सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक वन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।